आज सुबह सुबह चाय पी करके मैं कट्टे को हाथ में लेकर के पहुंच जाता हूं खेत में, जहां पर नंगे पांव कीचड़ में चलने के बाद पग डंडी को पार करते हुए मैं पहुंच जाता हूं अपने खेत पर। ये खेत के चारों तरफ जाली लगाई हुई है ताकि कोई भी जानवर खेत में नुकसान ना कर सके। जिसके बाद मैं पहुंच जाता हूं खेत में मक्की के पास, जहाँ पर मुझे भुट्टे तोड़ने होते हैं। फिर मैं घुस जाता हूँ मक्की के भीतर कट्टे को लेकर के, जहाँ पर मैं भुट्टे को तोड़ता हूँ और उसे तोड़ करके छिल करके कट्टे में डाल देता हूँ। जिसके बाद मुझे इसी तरह हर भुट्टे को तोड़कर कट्टे में डालना होता है, जिसके बाद कट्टा थोड़ा भर जाता है। फिर मैं भुट्टे को हाथ मैं उठाता हूँ और वीडियो बनाने लगता हूँ। वो ये 2.5 किलो का भुट्टा है, अगर इसको कोई खा ले तो जिंदगी भर भूख ना लगे। इसी तरह वीडियो बनाते हुए मैं बहुत सारे भुट्टे तोड़ देता हूँ, जिसके बाद मुझे एक भुट्टा दिखाई देता है जो भीतर से उगने लगता है। मैं फिर उसका वीडियो बनाने लगता हूँ और ऐसा करते हुए मैं लगभग बहुत सारे भुट्टे तोड़ देता हूँ। फिर उन भुट्टों को टब में डालकर कट्टे में भर देता हूँ, जिसके बाद कट्टा पूरा भर जाता है। और फिर कट्टे को मैं अपने कंधे पे उठाकर घर पे चल देता हूँ। घर पर पहुँचते ही मैं कट्टे को नीचे खाली कर देता हूँ। उसके बाद मैं भुट्टे को अपने हाथों से अच्छे से फैला देता हूँ ताकि भुट्टे अच्छे से सूख सके, जिसके बाद मैं फिर खाना खा करके आ जाता हूँ खेत पर। सोयाबीन की कोलियाँ पलटाने के लिए 2 दिन पहले सोयाबीन काटे थे और फिर आ गया पानी, जिसकी वजह से ये गीली हो गई और बिगड़ने लग गई है, ये ख़राब होने लग गई है सोयाबीन। इसको पलटाया अभी मैंने, ये पलटाई हुई है। तो ये पलटी दे दिया मैंने इसको, ये सारी कोरिया पलटानी हमको। तो गाइस अभी सिर्फ इतनी ही कोरिया पलटाई है, अभी तो पूरा खेत पलटाना बाकी है। 2 बीघा का खेत है, सारी कोरिया पलटानी है। अभी यहाँ पर कोरी पलटाई है और सोयाबीन उगने लग गए। ये देखिए गाइस, ये सोयाबीन उग गए हैं पानी गिरने की वजह से। फाइनली सारी कोरिया पलटा दी हैं, अब सिर्फ 2 लाइनें बची हैं, बस इनको पलटाना बाकी है। तो अभी मैं छाँव में आ गया हूँ क्योंकि गर्मी लगने लग गई है वहाँ पर खेत में। तो ये पेड़ है जिसको बोलते हैं खेजड़ा, इसके नीचे खड़ा हूँ मैं अभी। और ये है मेरा हथियार जिससे मैं कोरिया पलटा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से 2 लाइनें और पलटा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे घर पे। सारी कोरिया पलटा दिए, बस ये 2 कोरिया बची हैं। छो ये पलट गई, अब ये लास्ट बची। सारी कोरिया पलटा दिए, अब चलते हैं घर पर। वहाँ पर खड़ी है अपनी गाड़ी, तो ये रही अपनी गाड़ी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी चलते हैं घर पर।